दोस्तों ये कथा है कलिंग के पुनरुत्थान का, कथा अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाने का, ये कथा है प्रतिशोध का, और ये कथा है कलिंग के महाराज महामेघवाहन वंश के शासक ऐरखरवेल का। दोस्तों अगर आप इस वीडियो के पहला भाग ना देखे हो तो YouTube पर सर्च कीजिए ऑसम इन्फॉर्मेशन टीवी एवं इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप भारत की इतिहास का वो भुलाया दिया गया अनसंग वारियर के बारे में जान सकते हैं जिनको हमारे देश के इतिहासकार हमारे किताबों से हटा दिए हैं। दोस्तों हमारे पास 100 से भी ज्यादा अनसंग वारियर की ऐसी लिस्ट है जिनके बारे में हमें स्कूल में कभी नहीं पढ़ाया गया, वो हमारे देश के लिए मर मिट गए फिर भी हम उनके बारे में नहीं जानते। हमारा ये जो लक्ष्य है कि 100 से भी ज़्यादा अनसंग वॉरियर को आपके सामने रिप्रेजेंट करना, उनके बारे में आपको बताना, ये लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप हमारा साथ जरूर देंगे ये मुझे भली भांति ज्ञात है। दोस्तों कलिंग युद्ध खत्म हो गया था, योद्धाओं की तलवार अब मयान में घुस चुका था, कलिंग एक खंडहर में परिवर्तित हो गया था और अपना खोया हुआ सम्मान की जीर्णोद्धार में लगा था। उधर मगध की काया धीरे धीरे घट रहा था, अशोक की निधन मगध एवं मौर्य साम्राज्य के कमर तोड़ दिया था। कलिंग युद्ध के बाद जो मुट्ठी भर खंडायत बच गए थे उनके रक्त से जन्मे थे राजा महामेघवाहन जो चेदी वंश के थे। महामेघवाहन का अर्थ है वो जो बादल को वाहन बना के उसकी सवारी करता हो, मतलब देवराज इंद्र। सत्ता में पहुंचते ही महाराज मेघवाहन ने मगध की अधीनता स्वीकार करने से साफ इनकार करते हुए कलिंग को एक स्वाधीन राष्ट्र घोषणा कर दिया। फिर कुछ कालांतर के बाद उनको एक पोता पैदा होता है जिनका नाम रखते हैं खारावेल। शरीर से ताकतवर और युद्ध नीति में पारंगत महाराज खारावेल जब सिंहासन अधिग्रहण करते हैं तब मगध के हाथों हुई कलिंग के पराजय एवं कलिंग वासियों की निर्मम हत्या के किस्से उनको अंदर से झिझोड़ के रख देते हैं। उसी दिन महाराज खारावेल ने शपथ लेते हैं कि अगर अखंड भारत चाहिए तो मगध नहीं कलिंग बनाएगा अखंड भारत। जैसे मगध भारत का अंश है उसी तरह कलिंग भी भारत का अविच्छिन्न अंश है। अगर मगध कलिंग को मात दे सकता है तो अब की बार कलिंग का है। तब इस शतरंज में एक तीसरी खिलाड़ी घुस चुका था, परम शक्तिशाली सातवाहन राज्य के राजा गौतम पुत्र सातकर्णी। सातवाहन राज्य के साथ उसके मित्र राज्य राष्ट्रिक एवं भोजक भी इस युद्ध में कूद गए थे। एक तरफ थे सातवाहन राज्य एवं उसके मित्र और एक तरफ था कलिंग। कृष्णा नदी के तट पर एक घमासान युद्ध होता है और इस युद्ध में सातवाहन कलिंग के सामने घुटने टेक देता है। विजय की ध्वजा फहराकर कलिंग राज वापस कलिंग के राजधानी कलिंग नगर लौटते हैं और 2 महीनों तक कलिंगवासी इस जीत का जश्न मनाते हैं। आज का मध्य प्रदेश तब 2 राज्यों में बटा था, राष्ट्रिक एवं भोजक। खारावेल उस दोनों राज्यों पर एक साथ हमला करते हैं और वो 2 छोटे-छोटे राज्य कलिंग के सामने घुटने टेक देते हैं। राजत्व के 8वें साल आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन को कलिंग का बच्चा बच्चा प्रतीक्षा कर रहा था, यानी मगध अभियान। हीरे मोती जड़ित श्वेत वस्त्र, सिर पे मुकुट एवं कपाल पे सूर्य की छवि अंकित करके काले घोड़े जोचित रथ पर सवार कलिंगराज खारावेल जब अपने सैन्य के आगे चल रहे थे तब कलिंगवासी फूले नहीं समा रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं पितामह भीष्म युद्ध में पहुंच चुके हैं। कलिंग सेना का पहला हमला होता है गोरदगिरी पे। वहां का मगध की सेनापति अपना हार स्वीकार करता है एवं महाराज खारावेल उसके हाथ मगध के नरेश बृहस्पति मित्र को एक संदेशा भेजते हैं। वो संदेश में लिखते हैं कि कलिंग इस बार मगध के ऊपर कहर बन के टूटेगा, युद्ध के लिए तैयार रहना। गोरदगिरी को जीतने के बाद महाराज खारावेल पाटलिपुत्र के तरफ अपना रौद दौड़ाते हैं, पर इसी बीच ग्रीक का राजा डेमेट्रियस मगध पर हमला कर दिया एवं मथुरा को कब्जा लिया। जैसे ही ये खबर महाराज खारावेल को मिलता है महाराज खारावेल गुस्से में आग बबूला हो गए, क्योंकि महाराज खारावेल का मानना था कि कलिंग एवं मगध के बीच विवाद 2 भाइयों के बीच विवाद है, पर दोनों का माँ भारत ही है। इसलिए वो ग्रीक राजा का मगध पर कब्जा को कलिंग के अपमान की तरह देखे और बोले, जब तक कलिंग है तब तक भारत की 1 इंच जमीन भी ग्रीक को नहीं मिलेगा। इसके बाद महाराज खारावेल मथुरा के तरफ अपने रथ दौड़ाए। जैसे ही ये खबर ग्रीक के राजा डिमेट्रियस को मिला वो मथुरा छोड़ के भागने लगा और महाराज खारावेल उसको अफगानिस्तान तक पीछा किए। जब महाराज खारावेल मगध में पहुंचते हैं तब मगध के राजा बृहस्पति मित्र महाराज खारावेल के सामने अपना हथियार डाल देते हैं। मगध कलिंग युद्ध में जो कलिंग के साथ बर्बरता एवं अमानवीय कृत्य किया था मगध ने, उसके लिए वो राजा खारावेल को माफी भी मांगते हैं एवं ग्रीक के राजा डिमेट्रियस से मगध को बचाने के लिए उनका शुक्रिया भी करते हैं। इसी तरह बिना एक बूंद रक्त बहाए महाराज खारावेल ने ना सिर्फ भारत को डिमेट्रियस के आक्रमण से मुक्त किया परंतु कलिंग युद्ध का प्रतिशोध भी लिया और 350 साल पहले जो कलिंग जीन मूर्ति मगध के राजा महापद्मनंद ने कलिंग से छीन लिया था उस मूर्ति को भव्य तोरण में सुसज्जित करके कलिंग वापस लाए। बस इतना ही नहीं, महाराज खारावेल ने अपने शासन के दौरान कई सारी नहर खोदे, कई बार प्रजा को कर माफ किया, हिंदू बौद्ध जैन भिक्षुओं के लिए कई सारी गुफा की खनन की।
आज का उड़ीसा वो भित्ति भूमि पर खड़ा है जिसकी स्थापना आज से करीब 2000 साल पहले इसी उड़ीसा के बेटे महाराज खाराबिल ने किया था। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का बेल आइकन भी दबा देना, मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ और एक नई अनसंग वॉरियर के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।